अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फोबियास के बारे में पढ़ेंगे। फोबियास के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फोबियास फेयर एंजाइटी को कहते हैं, डर यानी खौफ को कहते हैं। किसी भी चीज़ से डर या खौफ हो तो उसको फोबिया कहेंगे। फोबिया हमेशा सफिक्स में आता है, इसके प्रीफिक्स में जिस चीज़ से डर खौफ है वो प्रीफिक्स में आएगा। जैसा कि अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है एरेक्नोफोबिया यानी स्पाइडर फोबिया। स्पाइडर से डर लगने को एरेक्नोफोबिया कहते हैं, इसका वर्ड आएगा एरेक्नोफोबिया। अभी दूसरा है एक्रोफोबिया यानी हाइट से डर लगना। इसके बाद है एगोरा यानी ओपन क्राउडेड प्लेस से डर लगना, खुले मैंने लोगों के साथ मिल जुलने से डर लगना, यानी क्राउड वाले जगह पे, रश वाली जगह पे जाने से डर लगना एगोराफोबिया कहेंगे। अभी आता है एक्वा या हाइड्रोफोबिया, ये पानी से होता है फोबिया। ये अक्सर रेबीज़ वायरस में यह होता है, रेबीज़ डिज़ीज़ में ये वाटर यानी हाइड्रोफोबिया होता है। उनको पानी दिखाने से खौफ, एंजाइटी, घबराहट शुरू हो जाता है। ये एक आम में ये डॉग बाइट से भी होता है। ऑटोफोबिया यानी एबेंडोनमेंट फोबिया यानी खुद से डरना, यह भी इतना आम नहीं, यह भी कभी कभार पेशेंट में देखना मिलता है। इसके बाद आता है थंडर फोबिया। थंडर मीन्स लाइटनिंग एंड थंडर फोबिया यानी इसका होगा वर्ड प्रीफिक्स आस्ट्राफोबिया, प्रीफिक्स में आस्ट्रा लिखा जाएगा। अब आता है एरोफोबिया। एरो प्रीफिक्स है, फोबिया सफिक्स है यानी फ्लाइंग से डर लगने। इसके बाद है अचीव में फोबिया यानी सक्सेस, अपने कामयाबी से डरना, अचीव में फोबिया। किसी भी चीज बंदे को अपने कामयाबी से डरने को अचीव फोबिया कहते हैं। अभी आता है एलू रोग या गेटो, इसको ये केट को कहते हैं, केट से डरने को एलियोरोफोबिया या गेटोफोबिया। जैसा एंड्रोफोबिया यानी आदमी से डरना, ये एंड्रो प्रीफिक्स है, फोबिया सफिक्स है। अब इसके बाद आता है एपीफोबिया यानी बीज, मक्खी से डरना, एपीफोबिया कहेंगे इसको। एपी प्रीफिक्स है, फोबिया सफिक्स है। इसके बाद है एनाटिडाए यानी डक फोबिया। एनाटिडाए फोबिया मीन्स डक फोबिया, बतख से डरने को एनाटिडाए फोबिया कहते हैं। इसके बाद आता है एकंड्रोप फोबिया, पर्सन ऑफ शॉर्ट स्ट्रेचर से डरना, ये आम है नहीं है, ये भी कभी कभार ही देखने को मिलता है, ये इतना मशहूर नहीं है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोफोबिया यानी चिकन से डरना, इलेक्ट्रोफोबिया। अब इसके बाद है एटाइची यानी फेलर, गिरने से डरना, एटाइची फोबिया, गिरने से डरने को कहते हैं। एफिनफोजम यानी इंटीमेसी से डरने को एफेन, वर्ड भी ऐसे मुश्किल है ना, एफेनफोजम। इसके बाद आता है एंथ्रोपोफोबिया यानी पीपल, लोगों से डरना, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोफोबिया। जैसे एंथ्रोपोलॉजी वगैरह जो होते हैं माहिर लोगों को पढ़ने के। अभी आता है एथाजोग्रा, ये फॉरगॉटन से डरने को कहते हैं, आम सा सिंपल सा है एथाजोग्रा। अब आता है एग्लियो यानी पेन, पेन से डरना, एग्लियोफोबिया।
एलोडोक्साफोबिया यानी ओपिनियन से डरना। आज का वीडियो यह है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।